करीब, और आज तीसरा दिन शुरू करेंगे 12:30 सिर्फ इसलिए क्योंकि पानी आ नहीं रहा था और नहाना सबको था क्योंकि ऊपर मंदिर जाना है आज। तो जिस मंदिर में जाना है वो मंदिर यहाँ से होटल से सीधा दिखता है ऊपर, वहाँ कहीं अपना कमरा है, तो तीसरा फ्लोर। ये सारी जगहें लिखी हुई हैं कि कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, इस होटल से कितना दूर है ये जगह। चर्च के साइड से आता है और फिर यहाँ से ऊपर जाना पड़ता है थोड़ा सा, यहाँ से ट्रॉली मिलती है। रास्ते में जगह जगह लिखा हुआ मिल जाए तो उसको फॉलो करते रहें, पहुँच जाएंगे थोड़ी देर। बात यह आप पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी आपके पास हो। कुछ इस तरीके की है ये केबल कार का जो अंदर का है, सीट्स ठीक हैं और दो चार जगह खुली छोड़ी हुई हैं जहाँ से, बाकी सब बंद है। बाहर से भले ही शीशे काले लग रहे हैं बट अंदर से दिखता है अच्छा खासा। कुछ ऐसा नज़ारा दिखता होता से मन भी चेक कर लो। इतना सुंदर है ना सब, पीछे पूरा रंग बिरंगा नीचे शिमला दिख रहा है। और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, वैसे तो खैर सबको पता ही है इन बारे में बट फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं ना करें, आप बस आनंद लीजिए, बैठिए। बड़ा अच्छा है और आज मौसम जो है हल्का सा गर्मी है मौसम में तो ठीक है। ये पीछे से रास्ता है, बंदर जो हैं काफ़ी मिलेंगे रास्ते में अगर आप पैदल आते हैं, और प्रसाद जो है आप ऊपर जाके लीजिए, बीच में लेंगे तो बंदर बार बार आपको तंग करेंगे और कहा हो सकता है आपको कहा जाए कि प्रसाद भाई ऊपर से ही मिलेगा यहाँ नहीं, ये नहीं बट मतलब सॉरी ऊपर से नहीं मिलेगा, नीचे से लेके जाओ और ये कर, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से लेके जा सकते हैं। मैं पिछली बार आया था जयपुर तो तब बर्फ गिरी हुई थी और बहुत अच्छी बर्फ थी यहाँ पर, बहुत चलना मुश्किल हो रहा था और उस टाइम पर हम लोग पैदल गए थे, बड़ा मुश्किल था उससे में चढ़ना बट ठीक है, वो भी एक एक्सपीरियंस अलग ही था। और तो रोप वे मेरे को पता चला कि इस बार है तो मैंने सोचा कि होना चाहिए एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस ये भी लेना चाहिए, क्योंकि मैं रोप वे में मेरे को लास्ट टाइम याद में बैठा था तो हरिद्वार में एक मनसा देवी टेम्पल है वहाँ चलती है, बट वहाँ की रोप वे और यहाँ की रोप वे में बहुत फ़र्क है एक्चुअली में। सो और उस बार को हो भी गए 10-11 साल हो गए तो मेरा मन भी था, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाता हूँ बताता हूँ इस बारे में। अब ऊपर पहुँच के आपसे मिलता हूँ। तो आ गए ऊपर और इधर से निकले थे रोप वे से, और इस पर थोड़ा सा रास्ता है पर चलना है इधर बिल्कुल, और उस टेम्पल पे छोड़ता आपको। बड़ी सी हनुमान जी की मूर्ति है वो बीच में आपको ऑरेंज दिख रहा होगा, और थोड़ा संभल के आइएगा यहाँ पे क्योंकि कुछ है नहीं आपके पकड़ने के लिए, और कोशिश कीजिए कि जूते वगैरह अच्छे ग्रिप वाले पहन के ही चले। मंदिर के अंदर अब जाके आपसे मैं मिलता हूँ, अब तक थोड़ा नज़ारे का लुफ्त आप भी उठाइए मैं भी उठाता हूँ।
पैदल आते हैं तो आपको वहाँ से कहीं से आना पड़ता है और यहाँ पे चढ़ते हुए फिर आप ऊपर पहुँचते हैं। ये बंदर से पहले मैं ज़रा बच के रहा हूँ थोड़ा। और यहाँ पे जो है ये जो ऊपर आप ये देख रहे हैं ये ऐसे पूरा नीचे से ऊपर तक जो हर एक पे जो है ये पूरी ऊपर तक आप पढ़ते आएंगे ये जो है हनुमान चालीसा लिखी हुई है जो है जैसे मैंने अभी गॉगल्स लगाए थे पर मैंने ट्रॉली में ही उतार ली क्योंकि ये बंदर जो है ना बड़े शैतान है ये उतार के ले जाते हैं और आपको फिर मिलेंगे भी नहीं वो। और ये बंदरों से थोड़ा सा बच के क्योंकि इनकी गैंग वॉर वगैरह भी स्टार्ट हो जाती है कभी कभार। ये कुछ ऐसी है मूर्ति ऊपर आ करके बार बार कह रहा हूँ थोड़ा सा सावधान मंदिरों से। गॉगल्स ले गया उनके सनग्लासेस। एक चीज़ तो नीचे हम लोग रोप वे के लिए आ रहे थे तो वहाँ पे काफ़ी सारे टैक्सी वगैरह जो है कैमरा शायद ठीक नहीं है तो काफ़ी सारे जो हैं टैक्सीज वगैरह के लिए जो है आपसे पूछा जाता है 500 रुपये बोलते हैं। खैर 500 रुपये देने की कोई ज़रूरत नहीं जिनको चलने में दिक्कत है वो टैक्सी से आएँ थोड़ा भी नहीं अगर चल सकते हैं तो थोड़ा सा चल सकते हैं तो आप आ सकते हैं रोप वे से थोड़ा सा चलना पड़ता है करीब 10 मिनट या 15 मिनट की तो वॉकिंग डिस्टेंस पे है रोप वे और वहाँ से ऊपर जब आप आएंगे तो भी थोड़ा सा 5 मिनट में चल के आप ऊपर आ जाएंगे। तो टैक्सी के लिए आप बार्गेन कराइएगा ज़रूर अगर आप टैक्सी से आते हैं और 500 रुपये बहुत ज़्यादा है और वो घर के लेके जाते हैं पूरी टैक्सी तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें। थोड़ी देर की ठंड लगती है उसके बाद सब ठीक है। अंदर कैमरा लाउड नहीं है तो ये बंद करते हैं। बहुत से लोग हैं सिर्फ वो पीछे मंदिर जा कर के वहीं से निकल जाते हैं बट इधर नहीं आते हैं। ये जो मेरे पीछे जगह दिख रही है यहाँ पे ये एक्चुअली यहाँ पे जो है हनुमान जी के चरण हैं। नीचे कैंटीन में कढ़ी चावल है 50 रुपये का अच्छे से आ सकते हैं आप। वक्त है वापस नीचे उतरने का। ये एंट्री पॉइंट है यहाँ का मंदिर का और यहाँ से आप पैदल ऊपर आते हैं और यहाँ से हम नीचे जाना शुरू करेंगे। तो कोशिश मेरी यही रही कि मैं पूरा रिकॉर्ड करूँ नीचे तक अगर कर पाया तो। ठंड भी हो रही है यहाँ की धूप थोड़ी सी अलग है। धूप तो होती है बट जैसे सुबह का था आज सुबह का टेम्परेचर 2 डिग्री था और इतनी धूप में। खैर उतरना तो बहुत आसान है बट चढ़ना बड़ा मुश्किल है। उतना भी मुश्किल नहीं है मुश्किल है कुछ के लिए ठीक है बट शायद ट्रॉली मेरे ख्याल ज़्यादा जब बर्फबारी होती तब शायद नहीं चलती वैसे चलती है। तो रास्ता भी सुंदर है आपको अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं बट ट्रॉली से मैं रेकमेंड इसलिए करूँगा जो खैर ज़्यादा भी चलते हों बट उनको भी रिकमेंड करूँगा कि ऊपर से बड़ा कलरफुल दिखता पूरा शिमला जो है और बड़ा सुंदर बड़ा मज़ा आ जाता देख करके। और चश्मा और मुंह अभी नहीं ढका मैंने ढक के ज़रूर रखी क्योंकि होता क्या है ये सब पूरा जल मेरा मेरे साथ होता था जल जाता था। और सनग्लासेस होने ज़रूरी है क्योंकि ये धूप जो है तंग करती है थोड़ी। तो ये जो अभी देखा ना हमने तो मोड़ना था गाड़ी को तो
कितना मुश्किल है वाकई में पहाड़ पे। हम तो दो चार दिन के लिए आते हैं तो इसलिए हमको अच्छा लगता है बड़ा कि पहाड़ बड़े अच्छे हैं, यहाँ रहना यार कितना अच्छा होता। बट जो जहाँ रहता है वहाँ की असलियत वही जानता है, वहाँ की दिक्कतें, क्योंकि देखिए हर जगह के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं अपने। और हाँ ये अच्छा है कि आप नेचर में रहते हैं, ब्यूटी भी आपको दिखती है, बट फिर भी बहुत सी दिक्कतें हैं कि बंदरों से इतना सब कुछ रहता है, घर अगर आप खाली छोड़ जाते हैं घर में तोड़ फोड़ होती है, फिर बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और जितना देख के जो अब तक समझ में आया वो यही है कि कहीं ना कहीं हम प्लेन्स में जो रहते हैं ना लोग, प्लेन्स माने जो नीचे इलाकों में रहते हैं, हमसे ज़्यादा थोड़ा सा इनका टफ जीवन है। और बर्फ़ में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा, बर्फ़ में कभी कभार ये होता है कि लोग घरों से बाहर भी नहीं निकल पाते हैं, एक तरीके का हाउस अरेस्ट ही हो जाता है वो लोगों के लिए। तो ठीक है, और आज कल हमको होटल छोड़ना है जिस होटल में हम लोग रुके हैं, और वो छोड़ रहे हैं तो मैं खुशी हो रही है एक्चुअली। अब एक दूसरा होटल देखना सही सा, तो आज उसकी ढूंढ करते हैं, ढूंढते हैं होटल और कल फिर वहाँ पे शिफ्ट करना है। हाँ वक्त हो रहा है रात के 10:45, टेम्परेचर जो है 0 से नीचे हो चुका है। और कल हम एक जगह जाने वाले हैं यहाँ से, मैंने देखा था उसके बारे में, जो मेरे को पता चला तो उस हिसाब से तो वो जगह बहुत अच्छी दिख रही थी, सुंदर थी। और होटल ढूंढने के लिए मैं सबसे अच्छी एक बात बताता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन जो शेयर कर रही है, ऑनलाइन भी जो हम प्राइसेस देखते हैं, जो हम चीपेस्ट प्राइसेस देखते हैं वो भी चीपेस्ट नहीं देखते हैं। मैं थोड़ा सा आनंद लेता हूँ इस जगह का, और ठंड तो बढ़ती जा रही है, थोड़ी देर में मैं यहाँ से निकल जाऊँगा एक ग्रुप के साथ ही होटल वापस, क्योंकि सुबह सुबह निकलना है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।